की 31वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ चुकी है और हमारे हाथ लग चुके हैं वो 10 शोज जिन्होंने इस हफ्ते की लिस्ट में जगह बनाते हुए सबसे ज्यादा रीडिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको इस हफ्ते के टॉप 10 शोज के बारे में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो इस नंबर पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है विद 22 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 9 पर है स्टार प्लस का ही एक और शो साथ निभाना साथिया 2। जी हाँ, इस हफ्ते भी ये शो जनता के दिल पर राज करने में कामयाब रहा और शो ने हासिल किए 2.3 रेटिंग पॉइंट्स। 8वें पायदान पर है जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो कुंडली भाग्य। वेल, करण प्रीता की लाइफ में जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं उससे शो काफी इंटरेस्टिंग बन गया है। यही वजह है कि शो को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। इस हफ्ते शो को मिले हैं 2.3 रेटिंग पॉइंट्स। 7वें पायदान पर आए शो की बात करें तो इस पायदान पर है सोनी टीवी का डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 जिसने हासिल किए हैं 2.4 रेटिंग पॉइंट्स। आपको बता दें कि शो की जज शिल्पा शेट्टी एक बार फिर से शूटिंग शुरू कर चुके हैं और शिल्पा के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि शो की टीआरपी और ज्यादा बढ़ेगी। नंबर 6 पर आए शो की बात करें तो इस नंबर पर है स्टार प्लस का शो ये है चाहते। जी हां, एक बार फिर से ये शो बाप की लिस्ट में जगह बना चुका है। शो ने हासिल किए हैं 2.6 रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 के पायदान पर आए शो के बारे में बताते हैं। तो इस नंबर पर है खतरनाक स्टंट से भरा शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 2.6 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। तो वही इमली शो है 4th पायदान पर 2.7 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। वही हाल ही में इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले भी हुआ जो अब तक का सबसे लंबा ग्रैंड फिनाले था। ऐसे में मेकर्स की प्लानिंग रंग लाई और शो ने टीआरपी में जगह बनाई। जी हाँ, इंडियन आइडल ने इस हफ्ते तीसरा पायदान हासिल किया है 3.0 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। तो वहीं दूसरे पायदान पर है स्टार प्लस का ही शो गुम है किसी के प्यार में। शो ने हासिल किए हैं 3.2 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं हमेशा की तरह रूपाली गांगुली स्टारर शो अनुपमा है नंबर 1 के पायदान पर सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स के साथ जो कि है 4.0। वेल, तो ये है इस हफ्ते की टॉप 10 शोज की रिपोर्ट। नेक्स्ट वीक इस लिस्ट में कौन कौन से शोज ऊपर रहेंगे और कौन से हो जाएंगे टॉप 10 लिस्ट से बाहर, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।